हेलो ऑल, मैं मोनिका वर्मा फ्रॉम BMS ओवरसीज सर्विसेज जालंधर से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सुपर वीज़ा के ऊपर। कौन सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकता है, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको अप्लाई करने के लिए, एंड किस तरह हम जा सकते हैं सुपर वीज़ा पे। सबसे पहले बात करते हैं सुपर वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जिनके बच्चे कैनेडा में या तो परमानेंट रेजिडेंट हैं या फिर सिटीज़न हैं, वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं सुपर वीज़ा के ऊपर। सुपर वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा में क्या डिफरेंस है? अगर आप विजिटर वीज़ा पे आप अपनी फ़ाइल लगाते हो तो आप मैक्सिमम स्टे 6 मंथ तक का कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एंड आपको अगेन वापस अपनी होम कंट्री में आना पड़ता है। अगर हम सुपर वीज़ा की बात करें तो इस कंडीशन में आप 2 ईयर्स तक का स्टे ले सकते थे पहले, जो कि आज जो न्यू अपडेट्स आए हैं उसमें ये कर दिया गया है कि 2 ईयर्स की जगह पे अब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 5 ईयर्स तक का स्टे ले सकते हैं अपने बच्चों के पास। 5 सालों तक आप अपने बच्चों के पास ही रह सकते हैं, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपके चिल्ड्रन हैं वो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए या फिर सिटीज़न, उनका रेजिडेंस प्रूफ, उनकी जॉब प्रूफ, उनकी बैंक स्टेटमेंट एंड उनका रिलेशनशिप प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चों की ओर से चाहिए। एंड जो एप्लीकेंट यहाँ से फाइल लगाएंगे उनकी सेविंग्स, उनकी प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स, वेल्थ रिपोर्ट, जॉब प्रूफ, बिजनेस प्रूफ एंड पर्सनल टाइज इन इंडिया, इन योर होम कंट्री, आपको वो सारे प्रूफ करने हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हो कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या चेकलिस्ट है, किसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करके एंड कितने टर्म में कितने टेन्योर में आपको वीज़ा मिलता है, टर्न अराउंड टाइम यहाँ से क्या है, उसके लिए आप हमें कॉल करें 9883-7000-40 पे। पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो आप जालंधर ऑफिस आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेकलिस्ट हमसे लेके अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर सकते हैं एंड ऑनलाइन अपनी फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। कोई भी क्वेरी है पेरेंट्स वीज़ा, स्पाउस वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा से रिलेटेड, आप हमें ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।